दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू मेट्रो टीवी। आज बात करेंगे बॉलीवुड के इन स्टार्स की जिन्होंने बॉलीवुड में सक्सेस पाते ही अपने फर्स्ट अफेयर को करा डम्प और कहा बाय। तो ये सब देखने के लिए बने रहिए अपने फेवरेट शो के साथ। बॉलीवुड की लवली गर्ल दीपिका पादुकोण फिल्म इंडस्ट्री में आने के पहले हुआ करती थी किसी की लवली गर्लफ्रेंड। कौन है वो, टेक अ लुक। दीपिका अपने करियर में जितनी फेमस अपने फिल्मों को लेकर है उतना ही अपने लव लाइफ को लेकर। जी हाँ, कभी उपेन पटेल, कभी सिद्धार्थ माल्या, तो कभी युवराज और रणबीर कपूर के साथ के रिलेशन से तो आप भी अनजान नहीं। लेकिन रणबीर के साथ ब्रेकअप होने के बाद मैनम के पास रणबीर सिंह का ऑफर है आया। वैसे ये तो रहे फिल्म इंडस्ट्री के वो अफेयर जिससे थी मैडम सुर्खियों में। इंडस्ट्री के बाहर भी मैडम ने डेटिंग काफी बारी की। उसमें से एक है निहार पांडे। ये उनके वो बॉयफ्रेंड है जिसने दीपिका का हाथ मॉडलिंग टाइम में था थामा और जिनके साथ मैडम ने खूब टाइम स्पेंड भी था किया। लेकिन दीपिका मैडम ने इस बात को खुलकर कभी एक्सेप्ट नहीं किया। बता दे, 3 साल से चल रहा ये रिलेशन दीपिका ने रणबीर के आते ही तोड़ा। एग्जॉटिक गर्ल प्रियंका चोपड़ा के लाइफ में कौन है वो एग्जॉटिक बॉय जिसे प्रियंका ने किया डिच। हैव अ लुक। कभी बनी देसी तो कभी एग्जॉटिक, ऐसे प्रियंका कर रही है लाखों दिलों पर राज। लेकिन प्रियंका के दिल पर भी किसी ने छोड़ा छाप। जी हाँ, कभी प्रियंका अक्षय के अंदाज से हुई इम्प्रेस, तो कभी हरमन की बनी राशि और कभी किंग खान की बनी जंगली बिल्ली। और तो और, शाहिद तो इनके प्यार में बने कमीने। यही नहीं, दिलों पर जगह बनाने वाली स्टार ने अपने किसी खास को किया था डिच। जी हाँ, मॉडलिंग डेज में पीसी को हुआ था किसी से प्यार जिसके लिए पिगी करती थी इंतजार। मॉडलिंग डेज में असीम मर्चेंट के साथ थी इन रिलेशनशिप एंड सडनली पिगी के लाइफ में आया नया ट्विस्ट एंड शी स्टार्टेड टू इग्नोर। साल 2000 में मिस वर्ल्ड बनने के बाद उसे किया डिच, बट नाउ शी इज हैंगिंग एंड टेकिंग टू मच सेल्फी क्लिक्स। बॉलीवुड की क्यूट गर्ल आलिया भट्ट भी अपने अफेयर्स के लिए काफी फेमस रही है। लेकिन बॉलीवुड में आने से पहले भी मैडम ने की काफी बार डेटिंग। कौन था वो लकी बॉय, टेक अ लुक। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आते ही आलिया द क्यूट गर्ल ने स्टूडेंट्स को है अपने प्यार में फंसाया। जी हाँ, सिद्धार्थ और वरुण को बनाया कुछ पल के लिए अपना। और तो और, यही नहीं, 2 स्टेट्स को एक भी है किया। यस, गेसेस आर करेक्ट। अर्जुन को आलिया ने किया था डेट। भाई सब में आलिया रही ग्रेट, बट गॉसिप इज ऑल अबाउट आलियाज फर्स्ट डेट जिसे अब तक हम हैं अनजान। बता दे कि बॉलीवुड में आने से पहले इनका अफेयर रहा अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट अली ददरकर के साथ। लेकिन अफसोस, कुछ बॉलीवुड के स्टूडेंट्स के लिए किया अपने बचपन के दोस्त को अलविदा एंड नाउ शी इज अगेन रेडी टू बी इन गॉसिप्स फॉर हर नेक्स्ट क्रश। अफेयर्स की बात हो तो हम अनुष्का शर्मा को कैसे जाए भूल। बॉलीवुड में लव अफेयर्स को लेकर अनुष्का ने भी काफी टाइम सुर्खियां बटोरी। लेकिन इन सब से पहले अनुष्का का दिल धड़का किसी और के लिए। कौन है वो, जानेंगे इस रिपोर्ट से। दिल धड़कने दो गर्ल, यस, टॉकिंग अबाउट अनुष्का शर्मा ने काफी स्टार के दिलों को धड़काया और लगता है अनुष्का के लिए कपूर का दिल धड़काना वाज़न्ट टारगेट। तभी तो ये मैडम कभी रणवीर कपूर, कभी शाहिद कपूर और तो और अर्जुन कपूर के साथ अफेयर में भी रही। लेकिन जब कपूर का नहीं मिला साथ तो अनुष्का ने पकड़ा कोली का हाथ। लेकिन कौन था अनुष्का का लवी डवी बॉयफ्रेंड व्हेन शी वाज नॉट अ स्टार। अब बताते हैं आपको इन मैडम के अनसुने बॉयफ्रेंड के बारे में, जो है जोहेब यूसुफ। जी हाँ, बॉलीवुड में फेमस होने से पहले अनुष्का थी जोहेब की गर्लफ्रेंड। मॉर्निंग डेज में ये दोनों आए मुंबई शहर में लक आजमाने साथ। लेकिन किस्मत ने किया दोनों को अलग। अनुष्का को मिला फिल्मी ब्रेक और वही जोहेब को मिला अनुष्का से हमेशा के लिए लव ब्रेक। और यही थी अनुष्का के प्यार की गहरी सच्चाई।
बॉलीवुड की सोना और दबंग खान की खास फ्रेंड सोनाक्षी सिन्हा भी अपने लव अफेयर्स के लिए ज्यादा तो नहीं बट यस शी इज एन आर्टिस्ट। टेक अ लुक। आपको बता दें कि ये तेवर गर्ल ने अर्जुन को भी कम तेवर नहीं दिखाए। इतना ही नहीं, ये मैडम शाहिद को अपने साड़ी के फॉल से भी ज्यादा टाइम तक मैच ना कर सकी। और तो और, मैडम ने इंडस्ट्री में आने से पहले फन सिनेमास के मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य श्रॉफ को भी किया था डेट। नाउ हाउ शी गॉट इन ब्रेकअप लिस्ट, लेट्स कंटिन्यू। दरअसल आदित्य के बिहेवियर से थी सोना परेशान, और ऐसे बिहेवियर को कब तक करती मैडम टॉलरेट, और क्यों अपने पर्सनल लाइफ को करती इफेक्ट। तो इसीलिए सोचा कि इस रिश्ते को अच्छी तरह पार लगा दिया जाए। वेल, मैडम अब किसे कर रही है डेट, इसका अंदाजा अगले फिल्म के को-स्टार पर करता है डिपेंड। जैसे कि वो हमेशा अपने को-एक्टर के साथ रहती है इन गॉसिप्स। वेल सोना मैडम, अगर आप ऐसे ही सबके साथ जुड़ती रही तो शाम का इंतजार काफी लंबे समय तक करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो टीवी, एंटरटेनमेंट डेस्क, मेट्रो टीवी। बॉलीवुड स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।